हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गाजियाबाद में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी समेत 12 लोगों पर मारपीट और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि गढ़ की जिला पंचायत सदस्य के पति को अगवा कर उनसे मारपीट की गई। आरोपियों में हापुड़ के जिला पंचायत अध्यक्ष का पति भी शामिल है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता का गदर। पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी पर अपहरण का इल्जाम। प्रशांत समेत 12 लोगों पर अगवा कर मारपीट का आरोप। आरोपियों में हापुड़ के जिला पंचायत अध्यक्ष का पति। यह इल्जाम वाकई में संगीन है। इस इल्जाम के सियाह पहलू कहीं बीजेपी को आने वाले दिनों में बेचैन ना करते हैं। आपको बता दें, आरोप लगाने वाला गढ़ की जिला पंचायत सदस्य का पति है। पीड़ित सचिन के मुताबिक उसको मसूरी इलाके की उसकी दुकान से उठाकर प्रशांत चौधरी और उनके साथियों ने मारपीट की और धमकाया। आरोप ये भी कि बीजेपी नेता प्रशांत चौधरी के साथ हापुड़ की जिला पंचायत अध्यक्ष का पति राजेंद्र भी शामिल था। किडनैपिंग करने के लिए ये 12 जने थे, जिनमें मैन मुख्य जो था प्रशांत गुर्जर था और राजेंद्र तेलवाला, जिसकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है हापुड़ से। उन्होंने मुझसे ये बोला कि भाई तुम पहले चुनाव में हमेशा सतपाल के साथ रहे, अब उसका दिया बुझ चुका है, अब उनका कोई जनाधार नहीं है, आप अब हमारे साथ रहो, तुम्हें काम भी मिलेगा, तुम्हें सब चीज़ मिलेगी। मैंने उनसे मना कर दिया, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है और मैं जब तक 5 साल मेरे पूरे नहीं हो जाते मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो फिर उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई चालू कर दी और जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी मुझे मारा और जो उनके साथ में एक प्राइवेट गनर था उसने भी मुझे मारा। राजेंद्र ने मेरे पीछे से पिस्टल लगाई, ज़बरदस्ती ठाके उन्होंने गाड़ी में घेर लिया। गाड़ी में राजेंद्र ने और प्रशांत ने और उन पुलिस वालों ने मेरे में खूब बजाया। अब इस मामले में प्रशांत चौधरी और राजेंद्र के अलावा कुल 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। बावजूद इसके पीड़ित काफी डरा हुआ है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिला पंचायत की सीट आरक्षित होगी और प्रशांत चौधरी के अलावा राजेंद्र सिंह और उनके समर्थक नहीं चाहते कि इस बार जिला पंचायत सीट पर सचिन की पत्नी दावेदार बने। हालांकि इस मामले में पुलिस साफ साफ कहने की हालत में नहीं है। आरोप है कि जबरदस्ती किसी के साथ किसी को ले जाने का प्रयास किया और मारपीट की, जिससे चोट आई, दूसरे पक्ष को चोट आई, उंगली में जो है चोट है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ से अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उनकी जांच कराई जा रही है, आरोप की जांच कराई जा रही है। दूसरे पक्ष पे ये आरोप लगा कि गनर का भी उन्होंने दुरुपयोग किया, इस संबंध में मेरे द्वारा जांच कराई जा रही है। वहीं जवाब में प्रशांत चौधरी का भी हमने पक्ष जाना तो उन्होंने आरोप को निराधार बताया। ये तो बदतमीजी उन्होंने करी है और ये सब लोग मिल करके एक प्लानिंग के तहत ये जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की बात है, ये पार्टी को बदनाम करने की बात है और ये बहुत बड़ी शासत है और इसमें कहीं कुछ नहीं पाया जाएगा। और अगर हमने तो ज़िंदगी में आज तक किसी का चाटा नहीं मारा, किडनैप और किसी का वो क्या लूट, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। ये सब बहुत बड़ी इन लोगों की चाल है। प्रशांत चौधरी की बात करें तो उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम के अलावा बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ देखा गया है। पार्टी में इस समय उनका अच्छा वजूद बताया जा रहा है। बीएसपी से एमएलसी रहे प्रशांत चौधरी ने विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ज्वाइन की थी, जिसके बाद से वो बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन पर इतना संगीन आरोप लगा वो कई सवाल खड़े कर रहा है। बदी उज्मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस।